नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ में हूँ अभिषेक शुक्ला। आज हम बात करेंगे कि दोस्तों आज हम अपने ऑफिस में हूँ, माई सेल्फ इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में, जहाँ कंप्यूटर क्लासेस लगती हैं। आज बहुत सारे यहाँ बच्चे आए हुए हैं और आज 17 मार्च 2022 को हम लोग होली मिलन समारोह का एक कार्यक्रम रख रहे हैं, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट आए हुए हैं और काफ़ी लोग भी हैं। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर बात करें तो पुष्पा कश्यप जी और कोमल जी और विनय दीक्षित जी और रोहित सिंह जी, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग हैं, और अभिषेक शुक्ला यानी कि स्वयं मैं, और इसके बाद में यहाँ सोनू यादव जी हैं, रोहित जी हैं, राम बाबू जी हैं और विनय दीक्षित जी हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं। दोस्तों बात करेंगे कि आज ये कार्यक्रम माई सेल्फ फैमिली की ओर से रखा गया है, मतलब आज 17 मार्च है, तो हम लोग आज बच्चों की छुट्टी भी बोल देंगे और 21 तारीख को पुनः अपना सेंटर ऑफिस ओपन होगा, और 3 दिन के लिए बच्चों की छुट्टी है, 17, 18, 19 और 20 तक यानी छुट्टी है। इसके बाद में 21 को पुनः अपना सेंटर समय से ओपन होगा। तो सारे लोग एक्साइटेड भी हैं कि आज होली मिलन समारोह कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग होली क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, तो सब लोग अपने अपने बारे में बताएंगे यहाँ पे और इंट्रोडक्शन होगा। इसके बाद में सब लोग एक दूसरे से रूबरू होंगे, एक दूसरे के कलर लगाएंगे, और होली क्यों मनाई जाती है तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे मैनेजमेंट के लोग आ रहे हैं, जो तो वो कहते हैं ना कि बुराई पर अच्छाई की जीत, और हम लोग उस देश में रह रहे हैं, भारत देश, जो भी सुगुरु बोला जाता है, विश्वगुरु है, जहाँ हम लोग एक दूसरे के प्रति भाईचारे के प्रति ईमानदारी, सहानुभूति, कृतज्ञता, सहानुभूति अपने देश के प्रति, तो इस पर चर्चा आज करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, तो इतनी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे होली क्यों मनाई जाती है, तो बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है, और जब जब अच्छाई पे या धर्म पे सवाल उठाया गया है, तब तब अधर्म की हार हुई है। तो दोस्तों कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं, और भक्त प्रहलाद भगवान के भक्त थे, जो प्रतिदिन यानी कि ऑलवेज भगवान नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का जाप किया करते थे, जप किया करते थे। तो हिरण्यकश्यप ने बोला कि आप मेरा नाम लो, मैं भगवान हूँ, मैं परमपिता परमेश्वर हूँ। तो भक्त प्रहलाद ने यह बात स्वीकार नहीं की कि आप भगवान मेरे नहीं हो सकते, मेरा भगवान तो सिर्फ नारायण ही है, मुरली वाला ही है, श्री कृष्ण भगवान ही है। तो क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने कहा अपनी बहन से, होलिका से, कि इस प्रहलाद को तुम गोद में बिठा करके अग्नि में बैठ जाओ, और आपको तो वरदान लगा हुआ है कि आप अग्नि में जलेंगी नहीं, और भक्त प्रहलाद ये जल जाएगा। तो दोस्तों परमपिता परमेश्वर की कुछ ऐसी कृपा हुई कि वायुवेग नाम की एक चादर भक्त प्रहलाद के ऊपर अपने आप पहुंच गई, मतलब भक्त प्रहलाद ने उस चादर को ओढ़ लिया उस भगवान की दया से। इस दौरान भक्त प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल भस्म हो गई। तो दोस्तों भक्त प्रहलाद की भक्ति के उपलक्ष में हम लोग होली मनाते हैं। कहेंगे तो भारत के प्रमुख त्यौहारों में होली दीपावली भारत का मुख्य त्यौहार है, और हम लोग तो उस दिन देश में जन्म लिया है जो विश्व गुरु है, तो कहीं ना कहीं गर्व से कहिएगा कि हम सब लोग भारतीय हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि होली हम लोग क्यों मनाते हैं। तो आज मैं चर्चा की होली क्यों मनाते हैं, तो यहाँ काफ़ी संख्या में हमारे भाई बहन स्टूडेंट्स लोग मौजूद भी रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू।